लास्ट लेक्चर में हमने टीआरटीसी अप्रोच पूरी पढ़ ली थी शायद। चलिए नेक्स्ट, द लास्ट अप्रोच विद विच आर माइक्रो इकोनॉमिक्स विल गेट ओवर। सो आपके सिलेबस में तो सिर्फ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव है, बट मैं आपको सीयूटी के लिए इम्परफेक्टली भी पढ़ा दूंगा। ओके, पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। दो बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। हम परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट जब अज्यूम करते हैं बच्चों, तो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशन कि जो भी हमारा सो कॉल्ड एम आर स्लोप होगा दैट वुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सेस। ये बात याद होगी सबको। वाई पैरेलल टू एक्स एक्सेस? बिकॉज इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट एवरी यूनिट इज बींग सोल्ड एट अ सेम प्राइस। दूसरी चीज जो हमको यहां पे याद रखनी है कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट होता था शॉर्ट रन में, वो कुछ ऐसा जाता था, इजंट इट? तो दो चीजों पे गौर फरमाना है। दो पॉइंट्स हमें ऐसे मिलेंगे जहां पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। पॉइंट आर, आई रिपीट, पॉइंट आर एंड पॉइंट के। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। पॉइंट आर के पहले हमारी कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो वी आर सफरिंग व्हाट? लॉस। पॉइंट आर के आगे हमारी कॉस्ट लगातार गिर रही है, मिनिमम हो गई, एंड देन इट स्टार्ट्स राइजिंग, बट रेवेन्यू हमेशा ज्यादा है। तो ये जो कैविटी इफेक्ट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है बच्चों, ये पूरी कैविटी बेसिकली क्या शो कर रही है हमको? दिस इज शोइंग अस प्रॉफिट। तो क्या हमको आर पॉइंट के पहले रुक जाना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। के पॉइंट के आगे क्या नजर आ रहा है? योर कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। आई रिपीट, योर कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। लागत तेजी से बढ़ी, बहुत भयंकर बढ़ रही है, बट आर रेवेन्यू इज नॉट इंक्रीजिंग, इट इज कॉन्स्टेंट। तो रेवेन्यू कॉन्स्टेंट है बट कॉस्ट बढ़ रही है। आपको छन्नी भी लग रही होगी देखने में, तो छन्नी के अंदर कॉकरोच बंद चुका है, फायदा है हमारा, बाहर नहीं निकलेगा। तो कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बट रेवेन्यू इज कॉन्स्टेंट, तो अगेन यहां पे हमें क्या हो रहा है? लॉस। तो हम आर के आगे रुके या के पे रुक जाए? के पे रुक जाए। आर के आगे वी शुड कंटिन्यू बट के आगे वी विल नॉट कंटिन्यू, जैसे टीआरटीसी में किया था हमने। गॉट इट? सेकंड वाला जो ब्रेक इवन है उसके आगे नहीं जाना आपको, क्योंकि उसके आगे जाने पे क्या हो जाएगा? लॉस। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच में यही दो अजम्पशन है। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट, बट बच्चों ऐसा कितनी बार आपको नजर आ रहा है? आंसर, ऐसा कितनी बार नजर आ रहा है? दो बार ऐसा नजर आ रहा है, एक बार पॉइंट आर पे और एक बार पॉइंट के पे। बट हमारे लिए कौन सा पॉइंट बेटर है चिल्ड्रन? जहां पे मार्जिनल कॉस्ट ऊपर से कट कर रहा है, या जहां मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कट कर रहा है? नीचे से कट कर रहा है। ऊपर से कट करने पे तो नुकसान है। अगर आर के पहले पे रुक गया, आर पे ही रुक गए, क्या आगे का प्रॉफिट कमा पाएंगे? नो। तो हमें कहां पे रुकना चाहिए? जब मार्जिनल कॉस्ट ऊपर जाते हुए कट करे या नीचे आते हुए कट करे? ऊपर जाते हुए कट करे। आपको मम्मी ने कहा जा रहे हो क्लास अटेंड करने, आइसक्रीम ले लेना, तो आप आइसक्रीम क्लास ऑफ होने के बाद खरीदेंगे या क्लास में आते टाइम खरीदेंगे? ऑफ होते टाइम। क्लास में आते टाइम खरीद लिया तो आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी। गॉट इट क्लियर? तो आते टाइम मार्जिनल कॉस्ट बेटर है या जाते टाइम बेटर है? जाते टाइम। तो आइसक्रीम वाली बात याद रखिएगा, कभी गलती नहीं करेंगे। नहीं समझे? गॉट इट क्लियर? पक्का कंफर्म? के पे रुक जाएंगे हम, के पे रुक जाएंगे पता क्या? से नहीं, तो वापस मान लीजिए जैसे कॉस्ट हमारी बढ़ रही है, कल को मान लो हमारा रेवेन्यू बढ़ जाता है, इट इज एम आर वन। तो अब जो पॉइंट हमें यहाँ पे के आगे लॉस दे रहा था, यहां तक प्रॉफिट, इसके ऊपर लॉस होगा, तो हम आगे प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, प्रोवाइडेड हमारा रेवेन्यू बढ़ जाए। तो बिजनेसमैन का पहला इक्विलिब्रियम तो यही डिसाइड हो गया। 4 महीने बाद उसको नजर आया कि मार्केट में प्रोडक्ट महंगी प्राइस पे बिक रहा है, उसने भी सोचा चलो हम भी हाथ मार लेते हैं, लेट सी व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे क्या हुआ चिल्ड्रन? अगेन उसको प्रॉफिट होने लग गया कि नहीं होने लग गया? फिर ये एरिया जो के आगे तक लॉस का था, अब यहां तक फिर वो प्रॉफिट हो जाएगा, बट वो काम तब करेगा जब मार्केट में रेवेन्यू बढ़ जाए। तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच की कहानी समझ में आ गई? सो दो कंडीशन जरूरी है। पहली, मार्जिनल रेवेन्यू शुड कट मार्जिनल कॉस्ट। ये काम कितनी बार हो रहा है?
दो बार, बट कौन सा वाला बेटर है, नीचे से कट करे या ऊपर से कट करे? हाँ, फॉलिंग मार्जिनल कॉस्ट नहीं, राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आ गया? झटपट डायग्राम बना लीजिए वेरी क्विकली विद द अप्रोच कंडीशन एज वेल। चलो ये कहानी सबको समझ में आ गई, तो इसे मार्क कर दें Q और दूसरे वाले को मार्क करेंगे Q1। सो डू आंसर चिल्ड्रन, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्वांटिटी ओ क्यू मानी जाए या ओ क्यू वन मानी जाए? ओ क्यू वन। तो ट्रू इक्विलिब्रियम तब बनेगा जब मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कट करेगा। पतंग उड़ाई है लोगों ने, तो जब ऊपर से किसी को कट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कम होती है, पर नीचे से कट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि राइजिंग फोर्स ऊपर की तरफ, हवा ऊपर की तरफ जा रही है। बस वही चीज यहाँ पे भी याद रखनी है। समझ गए? बन गया? चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर टू दिस। तो दोनों कंडीशंस क्लियर हो गई। सो राइट डाउन नेक्स्ट इन योर कॉपीज व्हाट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच अंडर परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट। हेडिंग ऑलरेडी लिख चुके हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, व्हेन वी प्रोड्यूस मोर एंड मोर यूनिट, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हम खर्च करते हैं, हम उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट चिल्ड्रन, और एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो हमको मिलता है दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। तो मैं यहाँ पे TR और TC ड्रॉ करना चाहूंगा, एंड आई वॉन्ट कि सब लोग ड्रॉ करें, बिकॉज इससे आपको मार्जिनल रेवेन्यू का कैलकुलेशन समझ में आएगा एज वेल एज मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे पहले 8 ले लेते हैं, देन 16, देन 24, देन 32 एंड देन 40। समझ गए? इट इज इंक्रीजिंग बाय सेम नंबर ऑफ यूनिट्स, सेम नंबर ऑफ यूनिट्स। क्यों सेम से ये इंक्रीज कर रहा है? बिकॉज हमारी परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे जितने भी यूनिट्स हम बेचेंगे पर यूनिट प्राइस वुड रिमेन सेम, तो हर अगली यूनिट उतने ही पैसे में बिकेगी जितने में पिछली वाली बिक रही थी। कॉस्ट इज 8, 14, 20, 28 एंड 45। तो एक यूनिट हमने बेची, 8 रुपए एक्स्ट्रा है और लागत भी 8 रुपए की थी, वी कैन अफोर्ड दिस। दूसरी यूनिट बिकने में 8 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और लागत सिर्फ 6 रुपए की है, तो इट्स अ हैप्पी मोमेंट और सैड मोमेंट? हैप्पी। तीसरी यूनिट बिक रही है 8 रुपए एक्स्ट्रा में और लागत उस पर भी कितनी एक्स्ट्रा है? 6 रुपए। चौथी यूनिट 8 रुपए एक्स्ट्रा में बिक रही है और उसकी लागत भी 8 रुपए है, नो प्रॉब्लम। बट पांचवी यूनिट 8 रुपए दे के आपको जरूर जाएगी, बट आपकी कॉस्ट एक्स्ट्रा कितनी आ रही है? 17। तो इज इट एन इंटेलिजेंट एक्टिविटी की 17 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके सिर्फ 8 रुपए एक्स्ट्रा कमाओ? नो, आपको 9 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा। तो आप उतनी यूनिट बेचेंगे वेयर एक्स्ट्रा यूनिट से आने वाला रेवेन्यू कम से कम हमारी कॉस्ट से ज्यादा ना भी हो तो एटलीस्ट बराबर हो। तो जहां भी बिजनेसमैन एक्स्ट्रा इनपुट कर रहा है, ही और शी विल सी टू इट कि एक्स्ट्रा जो मैं पैसे लगा रहा हूं वो एक्स्ट्रा पैसा मेरे को कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू दे रहा है या नहीं दे रहा। समझ में आ गया पक्का? तो फोर्थ यूनिट इज द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम। कॉपी दिस शेड्यूल फर्स्ट। समझ में आ गया TR MR कैसे कैलकुलेट हुआ? चलिए, सो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट हम यहां पे सेम सिमिलर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले ग्राफ में आपको लॉजिक नजर आ रहा होगा दैट मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज हैविंग विच काइंड ऑफ शेप चिल्ड्रन? इट इज यू शेप्ड। क्यों है यू शेप्ड? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से। और MR इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों है पैरेलल टू एक्स एक्सिस? सेम प्राइस आपको हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए रिसीव होगा मार्केट से। समझ में आ गया? चलिए, तो इसको और बेटर तरीके से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं व्हाट इज नेम्ड एज AR MR विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ड्रॉ करिए फिर से। AR = MR = P = D एंड देन वील बी ड्रॉइंग कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट।
At how many places do we see it is intersecting the revenue, children? टू प्लेसेस पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक पॉइंट को नाम रख देते हैं आर और एक को रख देते हैं के. ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं वेयर एम आर इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट एट पॉइंट आर एंड के. खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट आर के पहले कॉस्ट का क्या बिहेवियर था और रेवेन्यू क्या था, तो एवरीबॉडी वुड से कि कॉस्ट ज्यादा थी और रेवेन्यू कम था. सो दिस इज द पॉइंट चिल्ड्रन वेयर वी आर सफरिंग व्हाट लॉस. एंड चिल्ड्रन के पॉइंट के बाद भी आपको क्या नजर आ रहा है, लॉस. बट इन बिटवीन पॉइंट आर एंड के, जहां पे मैंने यूनिट्स को क्यू एंड क्यू वन रखा है, what we feel like, we are making profit or we are suffering loss, children? We are making profit. Logic समझ में आ गया? Logic समझ में आ गया? कितना profit नजर आ रहा है, सबको clear है? ये पूरी cavity जो आपको नजर आ रही है children, this represents profit as such. तो cost जितनी कम होगी और revenue जितना ज्यादा होगा, प्रॉफिट उतना ज्यादा आएगा. समझ गए? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी यूनिट्स पे रुकेंगे, ओ क्यू बना के रुक जाएंगे या ओ क्यू वन, तो आपका आंसर होगा ओ क्यू वन. बिकॉज अगर ओ क्यू पे रुक गए तो हम लॉस ही लेके बैठे हुए हैं, जो प्रॉफिट आगे कमा सकते थे उसकी अपॉर्चुनिटी खो दी. और के पॉइंट के आगे कब जाएंगे उसका भी आंसर होना चाहिए आपके पास. सीवीटी आपसे पूछेगा जरूर के पॉइंट के आगे हम कब जाएंगे, व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेस टू एम आर वन, तब हम जाएंगे अपने क्यू वन पॉइंट के आगे, एल्स हम क्यू वन पॉइंट पे रुक जाएंगे. टोटल कॉस्ट से यहाँ कोई मतलब ही नहीं ना. हेयर वी कंसिडर मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, तो टोटल से वी आर नॉट वरीड बेसिकली. समझ में आगे कैसे बनेगा? तो अब याद रखिएगा कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम क्या है. पहली कंडीशन तो समझ में आ गई, बट ये कंडीशन क्या बता रही है कि दो जगह पे इक्वालिटी है चिल्ड्रन. कितनी जगह पे? दो जगह पे, एक पॉइंट आर पे और एक पॉइंट के पे. बट हम इक्विलिब्रियम उसको मानेंगे जहां पे मार्जिनल कॉस्ट अपवर्ड राइज करके कट कर रहा है. समझ में आ गया? डाउनवर्ड फॉलिंग पे कट कर रहा है और आप रुक गए तो यू आर ओनली हैविंग लॉसेस. अपवर्ड राइजिंग पे जहां कट कर रहा है वहां पे रुक रहा है. ठीक, आइसक्रीम वापसी आते समय लेनी है. ठीक, लिख दीजिए फास्ट. चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर. तो ये बात सबको समझ में आ गई कहां पे प्रोड्यूस करना है, कहां पे रुकना है. चलिए, सो नेक्स्ट पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, और हेडिंग लिख दीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ price and output in perfectly competitive market using marginal revenue and marginal cost approach under short run and long run. अब ये अप्रोच काम कैसे करती है चिल्ड्रन? एज फार एज शॉर्ट रन इज कंसिडर्ड, आपको शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, एज वेल एज यू कैन सफर लॉस आल्सो. बट लॉन्ग रन में आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा. इट्स
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस. सो लेट्स अंडरस्टैंड इसकी ग्राफिकल अप्रोच क्या होगी. रेडी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप चार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना लीजिए और चारों में आपको ए आर इक्वल्स टू एम आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस रखना है. चार में से तीन जो होंगे वो शॉर्ट रन के होंगे और एक जो होगा वो लॉन्ग रन का होगा. बी क्विक. चलिए सो ड्रॉ कर लेते हैं ए आर इक्वल्स टू एम आर चारों में. ड्रॉ. अब मार्जिनल कॉस्ट कट करेगा मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम द बॉटम. ये नाइकी कर्व समझ में आ गया. Got it? अब जहां पे ये इंटरसेक्ट हुआ दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. कि हम इतनी ही यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे ये अभी हम प्रूव कर चुके हैं. इन सबको मैं डेलिबरेटली पॉइंट के नेम कर रहा हूं बिकॉज के पॉइंट ही हमने लास्ट अपने डायग्राम में पढ़ा था. तो इस पॉइंट से आगे प्रोड्यूस करने का मतलब कि कॉस्ट पर यूनिट विल एक्सीड बट रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगा तो यू वुड सफर लॉस. यहां तक समझ में आ गया. इतना ड्रॉ कर लीजिए झटपट. चलो अब प्रॉफिट डिटर्मिनेशन के लिए हमको कंसिडर करना पड़ेगा एवरेज कॉस्ट को. जब एवरेज कॉस्ट टैंजेंट है चिल्ड्रन व्हाट तो वी कॉल इट एज अ नॉर्मल प्रॉफिट. समझ में आ गया. एवरेज कॉस्ट कम है और आपका जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है ओ एम और ये वाला पॉइंट हमने नेम किया था के. इसको नेम कर देते हैं ऊपर वाले पॉइंट पे यहां के लिख देते हैं ताकि लेजिबल हो थोड़ा सा. और नीचे वाले पॉइंट को नेम कर देते हैं एन. सो जो हमारी कॉस्ट है दैट इज एन क्यू. व्हाट एन क्यू और जो रेवेन्यू है दैट इज के क्यू. तो कॉस्ट कितनी ज्यादा है रेवेन्यू से हमारी. द कॉस्ट इज सो कॉल्ड एन क्यू एंड रेवेन्यू इज के क्यू. तो बाय व्हाट एक्सटेंट रेवेन्यू एक्सीड्स कॉस्ट के एन. ये जो के एन एरिया है दिस रिप्रेजेंट्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. कि आपकी लागत कम है बट आपकी कॉस्ट सॉरी रेवेन्यू ज्यादा और आपकी कॉस्ट कम है तो दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. समझ में आ गई बात. समझ में आ गई बात. अब अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस कैसे होगा. कॉस्ट इज मोर. आई रिपीट कॉस्ट इज मोर. कितनी ज्यादा है इतनी ज्यादा कॉस्ट है. समझ मारी बात. तो इसको पी बोल दिया अब इसको एम बोल दिया. दिस इज पॉइंट के एंड दिस इज एन. अब यहां पे जो आपकी कॉस्ट है वो क्या है एन क्यू एंड व्हाट इज योर रेवेन्यू के क्यू. बाय व्हाट एक्सटेंट योर कॉस्ट एक्सीड्स रेवेन्यू के एन. अब ये जो के एन एरिया है चिल्ड्रन दिस के एन एरिया एक्चुअली रिप्रेजेंट्स लॉस. समझ में आ गया. एंड दिस रिप्रेजेंट्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट.
लॉन्ग रन में भी कॉम्पोजिशन पूरा सेम होगा, यू विल हैव ओनली एंड ओनली व्हाट इज कॉल्ड एज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और आपको मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि आपकी कॉस्ट भी के एन है और रेवेन्यू भी के एन है, तो यू आर गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? पक्का कंफर्म? चलिए, इसी के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है राम राम सत्य।